वैसे तो मैंने व्रत रखा था, तो इसलिए हर साल हम लोग का रहता है कि व्रत के बाद हम लोग प्रसाद लेके फिर यहाँ आते हैं। अच्छा, तो इसलिए आज भी आए हैं। मैं बाकी फेस्टिवल्स इतने एंजॉय नहीं करती हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि में पहली बार मैंने व्रत वगैरह सब रखा है। आप व्रत भी होंगी? हाँ, मैं पूरे दिन से व्रत हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा। तो मुझे ना आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सुबह भी यहाँ आई थी और अभी भी यहाँ आई। क्या विश मांगी आपने? वो तो मैं आपको नहीं बता। तो जबलपुर में जो एक विकास की लहर आई है पिछले कुछ विगत वर्षों में, और ये भक्ति का जो माहौल बढ़ता जा रहा है, सनातन धर्म की जो अखंडता और प्रचंडता का सैलाब है जो बढ़ता जा रहा है, ये सब देख के ही हम भक्तगण भाव विभोर होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी मैं आइसोलेशन काट के आया हूँ जी। अभी मेरे को कोविड संक्रमण हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से सब अच्छा हो चुका है। हम जबलपुर में पैदा हुए, और जबलपुर में अगर पैदा हुए तो जबलपुर का एक भी हम विश्वकर्मा जयंती तक नहीं छोड़ते हैं, और विश्वकर्मा जयंती के भंडारे भी अटेंड करते हैं बाकायदा हम लोग सारे। और यहाँ के अभी इसके बाद हमको भंडारे अटेंड करना मेन, हम उसी के लिए आए हैं। सारा कुछ जितने भी इतने टर्न करोड़ का बिजनेस करना है, ये करना है, सारी चीजें खत्म हो गई, और सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बस यही, इस बात से बहुत बहुत खुशी हो रहा है। तो आपने पहले से सोचा था कि अब की बार महाशिवरात्रि? कल से सोच के रखा था, ये कल से सोच के रखा था। आने का मौका आज मिला, आने का मौका आज, तो आज शिवरात्रि है इसलिए आज आए। शिवरात्रि के लिए अलग ही उत्साह रहता है, क्योंकि इसमें अभिषेक अलग तरीके से होता है, रुद्री बनते हैं, और इनका पूरा कथा वार्ता जो पूरा इनका प्रोसेस है करने का, पूरा दिन लग जाता है। बाकी पूजा तो ऐसी कुछ समय की रहती है, लेकिन इनकी तैयारी और इनकी पूजा में एक दिन पहले और एक दिन बाद तक का प्रोसेस रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शांति अलग से जो शांति रहती है वो बढ़िया महसूस कर रहे हैं। और यही है भाई कि ये हर साल आए और सभी की मनोकामना जो है पूरी हो यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है यहाँ पे, मतलब अच्छा लगता है। हेलो, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, और आज इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आए हैं जबलपुर के कचनार सिटी में। यहाँ के लोगों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है जैसे कि दशहरा और दीपावली में होती है। तो हम यहाँ के लोगों से और इनका उत्साह और उमंग जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस लिए आए हैं और कैसा फील कर रहे हैं इस जगह पे आके। ये जबलपुर की बहुत ही मानी जानी जगह है और बहुत ही फेमस जगह है, तो आइए हम कुछ लोगों से बात करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, कैसा लग रहा है आज के दिन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फील कर रहे हैं आप? धर्म की बात है तो बढ़िया अच्छा लग रहा है, पूजा पाठ से सम्मिलित है आदमी। अच्छा, अच्छा लग रहा है यहाँ आके, माहौल बन रहा है। आप परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, मेरे बेटियाँ बच्चे हैं। हाँ जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, आपको जो अन्य त्योहार हैं उनसे कुछ स्पेशल फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या स्पेशल फील हो रहा है? स्पेशल फील हो रहा है यहाँ पे, लग रहा है आकर के देखने में लोगों का हुजूम देख के लग रहा है कि अलग उत्साह है। अलग अलग उत्साह। तो मतलब कि ये किस प्रकार का उत्साह है? मतलब जैसे दीपावली दशहरा भी और कई भी त्योहार होते हैं, बराबर हिंदू धर्म में सारे त्योहार एक बराबर है, किसी को नापा जोखा नहीं जा सकता। इस त्योहार में क्या खास है? इसमें लोगों की आस्था अलग दिख रही है। अच्छा, क्या क्या हुजूम हुजूम अलग लग रहा है कि यार हाँ सिर्फ शंकर जी के मात्र से कोई त्योहार महाशिवरात्रि है। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और मुझे ना ये फेस्टिवल है हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं इसको, और सारे मतलब पूरे साल भर इसका इंतजार करते हैं। और इस साल पहली बार हुआ है कि मैं महाशिवरात्रि में यहाँ हूँ, बाकी तो मैं अपने घर पर रहती हूँ। आप व्रत भी हूँ? हाँ, मैं पूरे दिन से व्रत हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो मुझे ना आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं सुबह भी यहाँ आई थी और अभी भी यहाँ आई। अच्छा, तो मतलब आज पूरे दिन आपको यहीं बीत गया? जी। तो कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा है। अन्य त्योहारों से ये त्योहार काफी स्पेशल लग रहा होगा? जी जी जी, अंदर से अलग ही भावना, अलग ही उत्साह। हाँ हाँ, अभी यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। अच्छा, तो यही रहने का इरादा है? नहीं नहीं, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। क्या विश मांगी आपने शंकर जी से? वो नहीं बता सकते। अच्छा, बताएंगे नहीं? नहीं। चलिए, बहुत बहुत क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पलता लोधी। अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या स्पेशल है यहाँ पे आके आने के बाद? यहाँ से एक अजीब सी शांति मिलती है, अलग ही सराउंडिंग है। हाँ, अलग, सबसे अलग अलग व्यूज आ रही है अलग से। जी जी जी। क्या विश मांगी आपने शंकर जी से? वो तो मैं आपको नहीं बता।
अच्छा, लड़कियों और औरतों में एक काफ़ी अलग उत्साह और उमंग होता है यहाँ आने का, तो आपने पहले ही सोचा था कि महाशिवरात्रि के दिन आपका चीज़ पहले ही मैंने प्लानिंग बना के रखी हुई थी कि यहाँ पे आना है। मैं सुबह भी आई हुई थी और अभी शाम को भी आई। जैसे होली आने वाली होती है, नवरात्रि आने वाली होती है, तो लोग कुछ दिन पहले से ही मतलब तैयारियां करते हैं कि भाई इस दिन हम यहाँ जाएंगे, इस दिन ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने ऐसा कुछ सोचा था पहले? हाँ, क्योंकि अभी तो हम यहीं रहते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा। तो सोचा था कि महाशिवरात्रि में यहीं रहेंगे तो यहाँ जरूर आएंगे। अच्छा, अच्छा। जी देखिए, इस जगह पे तो कोई कुछ सोच के नहीं आता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। जैसे तो कुछ तो उत्साह उमंग लेके आए होंगे ना। उत्साह और उमंग तो ये भोले बाबा का जगह पे नहीं है। अच्छा। ये भोले बाबा ने कुछ ऐसा भाव प्रस्फुटित कर दिया होता है सबके मन के अंदर, सबके अंदर पहले से ही होता है। अच्छा, जी। तो जो शिवरात्रि का महापर्व है, जैसे लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत बरसता है, ऐसे ही अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा एक वाइब होती है। ठीक है। तो शिवरात्रि में ना वाइब होती है। ठीक है। जो बाबा के कहते हैं कि जो बाबा का तीसरा नेत्र है ना, ये जो शिवरात्रि की वाइब है ये वहाँ से आती जी, है जी, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे अगर हजार लोगों को देख रहे होंगे ना, इन हजार लोगों के अंदर एक वाइब है जी, जो ये आज अपने अंदर लेके चलते जी, हैं जी, बिल्कुल। तो इस वाइब के कारण ये जब यहाँ आते हैं तो खाली है तो ये कि आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी जगह का मोहताज नहीं है कि मैं आज यहाँ आ गया तो मैं बाबा से मिल गया, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा पर्सोनिफिकेशन करना है उन भावनाओं का, तो लोग यहाँ आके ये महसूस करते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, आज मैंने आके बादबा को देख लिया, साक्षात्कार कर दिया और धन्य प्राप्ति कर दी है। तो ये जबलपुर में मैं आज जबलपुर आता रहता हूँ, अभी कल ही मैं आया हूँ जबलपुर, ये मेरे कुछ मित्रगण हैं यहाँ जबलपुर से। तो जबलपुर मैं कभी भी आता हूँ, मुझे लगता है कि अगर भक्ति से सराबोर कोई जगह है तो वो जबलपुर ही है। चाहे आप नर्मदा उत्सव देखें, तो मैं इनको बता रहा था कि आज से 14 साल पहले जब मेरी उम्र 26 वर्ष थी तब भी जबलपुर आता था, लेकिन मुझे नहीं लगता तब जबलपुर में उतना माहौल होता था। तब ये मूर्ति शायद बन रही थी या मुझे इनके बारे में नहीं पता था। अच्छा। तब ग्वारीघाट का जो घाट था उमा घाट भी नहीं बना हुआ था। जी। तो जबलपुर में जो एक विकास की लहर आई है पिछले कुछ विगत वर्षों में, जी, जी। और ये भक्ति का जो माहौल बढ़ता जा रहा है, सनातन धर्म की जो अखंडता और प्रचंडता का सैलाब है जो बढ़ता जा रहा है, ये सब देख के ही हम भक्तगण भाव विभोर होते हैं। तो आपने पहले से ही सोचा था कि इस साल की महाशिवरात्रि में हम कचनार सिटी जाएंगे? जी नहीं, मेरा प्लान तो था कि ईशा फाउंडेशन के जो आदि योगी हैं जी, पर कुछ मेरा जो वैक्सीनेशन का डोज है अभी दोनों नहीं हुआ है, तो मुझे वहाँ नहीं जाने मिला, एक ही डोज हुआ है। आप डरिएगा नहीं भाई। महादेव की कृपा है तो काहे का डर। जी आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी मैं आइसोलेशन काट के आया हूँ, अभी मेरे को कोविड संक्रमण हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से सब अच्छा हो चुका है, इनके कारण हुआ था। आइए आप इनसे बात कर लीजिए। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कोई भी त्यौहार आता है तो लोग पहले से तैयारियां करते हैं कि इस साल इस त्यौहार में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो आपने से क्या पहले से सोचा था कि इस साल के महाशिवरात्रि में कचनार सिटी जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा है कि हम लोग क्या है, सब कंपनी में काम करते हैं, तो हमारा कोई फिक्स ही नहीं है, कभी यहाँ रहे कभी बाहर रहे। हाँ, लेकिन एक स्ट्रीक बना के चलते हैं, स्ट्रीक बना के ऐसे चलते कि हम जबलपुर में पैदा हुए, और जबलपुर में अगर पैदा हुए तो जबलपुर का एक भी हम विश्वकर्मा जयंती तक नहीं छोड़ते हैं, और विश्वकर्मा जयंती के भंडारे भी अटेंड करते हैं बाकायदा हम लोग सारे, और यहाँ के अभी इसके बाद हमको भंडारे अटेंड करना मेन, हम उसी के लिए आए तो हाँ, तो मेन मुद्दा हमारा वही होता है। तो पूरे तरीके से धार्मिक है आप? जी जी, पूरे धार्मिक है। कैसा लग रहा है यहाँ की? बहुत ही शानदार। खाएंगे तो और बहुत, और जी जी, और बाकी कंपनी में एकदम बोल दिए हैं कि बीमार पड़ गए हैं, तो हम आज ऑफिस में छुट्टी नहीं है, तो आज वहाँ बोल के आया, थोड़ा अर्जेंट काम है, थोड़ा अपने बीमारी का बहाना किया, बीमार पर्सनल इमरजेंसी हो गई है। तो कितने दिन की छुट्टी ली है बीमारी का बहाना बना? बस अभी बोल दिए हैं कि आते हैं 4-5 घंटे में, आज रात के भंडारे तक की, भंडारा जब तक भंडारा है तब तक बीमारी। जी जी जी, जब तक कल से ज्वाइनिंग करें। कहाँ से हैं? यही जबलपुर से। जबलपुर से हैं? जबलपुर महाराजपुर लड़ैया यहीं से हैं आप जी। आप क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन यहाँ मैं रहता हूँ,
अभी कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सुना कि यहाँ पे इतना बड़ा माहौल है, उत्सव है, मैं जल्दी घर पे ही रहता था, लेकिन जब सुना मैंने कि इतना बड़ा उत्सव यहाँ मनाया जाता है, बिल्कुल, तो मुझे भी लगा कि एक बार जरूर घूमना चाहिए, और आया तो बहुत ही बहुत खुशी हुआ। कोई परेशानी नहीं, दिमाग में कोई टेंशन, तो सब सारा कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल शांति मिल रहा है, डिप्रेशन सारा कुछ, जितने भी इतने टर्न करोड़ का बिजनेस करना है, ये करना है, सारी चीजें खत्म हो गई, और सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, बस यही, इस बात से बहुत बहुत खुशी हो रहा है। और देख भी रहे होंगे इतना भीड़, अभी तो कम है लोगों जैसे मुझे बताया कि और पहले और भी ज्यादा था। आप इसके पहले भी आए होंगे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ, मैं तो कैसा लगा फर्स्ट टाइम आके? बहुत इससे बड़ा अलकापल्ली में बोल सकता हूँ कि इससे बड़ा अभी तक मैंने इवेंट नहीं देखा था, अभी बहुत सुंदर लगा। नवरात्रियां होते हैं, दशहरे होते हैं, तो उससे अलग कुछ फील हुआ आपको यहाँ? नहीं, जनरली मैं क्या करता था कि रूम पे ही रह जाता था, क्योंकि मैं ज्यादा एरिया नोन नहीं है मेरे से, मैं हूँ तो यहाँ 2 साल से, लेकिन ज्यादा एरिया नोन नहीं था तो घर पे ही रह जाता था, लेकिन आज ऐसा पहला ऐसा मौका है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बाबा का बुलावा था कि भाई आओ, तो आज आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहाँ से हैं? मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ भी घूमने आए हैं? जी बिल्कुल, अकेले घूमने। महाशिवरात्रि यही का डिसीजन आपने पहले लिया था कि आ जाए? कोई प्लान नहीं था, 8 बजे था, फिर अचानक से घर पे बैठे क्या करेंगे, आज तो बाहर जाते ही नहीं, अचानक से मैंने ओला बुक किया और सीधा ग्वारीघाट जाने लगे। ग्वारीघाट जाने के बाद रास्ते में जो ओला वाले भाई थे उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ का बताया, उन्हें काम करिए यहीं चलाइए, तो बाबा ने बुलाया था कि यहीं आ जाओ, तो यहीं आ गए। तो इसके बारे में आपको पहले से पता था यहाँ आने के बाद पता चला? नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद पता चला, यहाँ आने के बाद पता चला। तो आप इतने इच्छुक थे शंकर जी से मिलने के लिए कि आप यहाँ आ गए? मैं क्या कहूँगा, मेरी कुछ औकात नहीं है, बाबा का ऑर्डर था कि भैया यहाँ आना है, तो बस आ गए सर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत है। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। जैसा कि आज महाशिवरात्रि है, अब महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि औरतें और लड़कियां ज्यादा उत्सुक होती हैं इस पर्व को लेके, तो आप, आपकी क्या उत्सुकता है? मेरी उत्सुकता ये है कि मैं दिन में तो नहीं आ पाई, लेकिन सुबह टाइम मैंने अपने घर में बहुत अच्छे से शंकर जी का अभिषेक किया और रात को समय मिला तो मैं यहाँ आई। यहाँ मेरी बहुत इच्छा होती है आने की, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। सुकून मिलता है, अलग प्रकार की वाइब आती है, प्रकार की पॉजिटिविटी है यहाँ पर। तो आपने पहले से सोचा था कि आपकी वर्ष महाशिवरात्रि? कल से सोच के रखा था, कल से सोच के रखा था, आने का मौका आज मिला, आने का मौका आज, तो आज शिवरात्रि है इसलिए आज आए। नहीं तो मतलब रात में मिला, दिन में नहीं मिला? दिन में नहीं मिला, हस्बैंड नौकरी में है तो रात में ही पॉसिबल होता है। आप यहीं की? जी मैं यहीं की हूँ, दमोना का। अच्छा भाई, वो जितने भी कष्ट है उनको पता है, उसका निवारण सबका करें वो, मेरे अकेले का नहीं, जितने भी कष्ट में है सबका निवारण करें, मेरी तो यही। अच्छा, तो जो इतने त्यौहार होते हैं हमारे इंडिया में, कई पर्व होते हैं, तो उन सारे त्योहारों और पर्वों से किस प्रकार अलग त्योहार? शिवरात्रि के लिए अलग ही उत्साह रहता है, क्योंकि इसमें अभिषेक अलग तरीके से होता है, रुद्री बनते हैं और इनका पूरा कथा वार्ता जो पूरा इनका प्रोसेस है करने का, पूरा दिन लग जाता है। बाकी पूजा तो ऐसी कुछ समय की रहती है, लेकिन इनकी तैयारी और इनकी पूजा में एक दिन पहले और एक दिन बाद तक का प्रोसेस रहता है। आप ये कहना चाहते हैं ये सारे त्योहारों से अलग त्योहार? अलग त्योहार, अलग त्योहार है। सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया है शिवरात्रि, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बेस्ट लगता है, हर साल इच्छा होती है यहाँ आने की। बस कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक शांति अलग से जो शांति रहती है वो बढ़िया महसूस कर रहे हैं, और यही है भाई कि ये हर साल आए और सभी की मनोकामना जो है पूरी हो यहाँ पे आके। ऐसा तो आप क्या सोच के आए थे यहाँ पे? मैं तो कुछ इच्छा लेके आया था, होनी चाहिए पूरी। अच्छा, अब वो करेंगे, वो करते हैं, और इच्छाएं ऐसा नहीं है, जो भी मांगो करते हैं, इच्छाएं पूरी। तो अपना तो यही है भाई, कोरोना भी खत्म करें, सभी चीजें खत्म करें और सब बढ़िया रहे। जी बिल्कुल, बढ़िया, गुड गुड चले, सभी की समस्याओं का। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मम्मी पापा मुझे ले आए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, आपको मम्मी पापा लाने वाले थे क्या? नहीं मतलब ये नहीं आने वाले। हाँ, आप नहीं आने वाले थे, मम्मी पापा लाए इसलिए खुश है। हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है यहाँ पे, मतलब अच्छा लगता है। तो जैसे दशहरा होता है, दीपावली भी होता है, तो उन सबसे अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, मैं बाकी फेस्टिवल्स इतने एंजॉय नहीं करती हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि में पहली बार मैंने व्रत वगैरह सब। अच्छा, अभी व्रत हो गया? हाँ। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। क्या फील कर रहे हैं आप? शांति, एकदम सुकून मिलता है। तो आपने पहले से प्लान किया था यहाँ आने के लिए? नहीं, अचानक प्लान बना, अचानक प्लान बन गया, पहले से प्लान नहीं किया था कि आज यहाँ जाएंगे? नहीं नहीं,
अचानक प्लान, जैसे क्यों त्योहार होते तो लोग पहले से प्लान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अचानक प्लान हुआ, अचानक अचानक शिव जी ने याद कर लिया आपको, भगवान ने याद किया और अपन आ गए। आंटी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने भी पहले से ही सोचा था आने के लिए? नहीं, पहले से नहीं सोचा था, लेकिन हमने उनको याद किया, उनने हमें याद किया। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भाग्य में मिला तो मिल गए। अच्छा दर्शन हो गए आपको? हाँ बहुत अच्छे। अच्छा तो अन्य त्योहारों से कैसा त्योहार लग रहा है? बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत अच्छा त्योहार है। भोलेनाथ का ये त्योहार अच्छा है या दूसरे जो त्योहार आते हैं वो अच्छा है? सभी त्योहार अच्छे रहते हैं, लेकिन जो दिल से माना। अच्छा इसको आपने दिल से माना है, बाकी त्योहार दिल से नहीं मानते? नहीं मानते हैं, लेकिन जी एक अजीब त्योहार है। अच्छा अजीब त्योहार, अलग ही पॉजिटिविटी आती है इसमें, अलग ही रहती है, दिल को शांति मिलती है। और भोलेनाथ के दो दरबार पे आने का अचानक से ही प्लान बन गया आपका? हाँ अचानक। तो हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हाँ हर साल, हर साल आते हैं। कैसे लग रहा है आपके यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी आ रही है। जैसे कि? जैसे कि इतने सारे लोग हैं। बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और हर साल हम लोग आते हैं पूरी फैमिली के साथ, और बाकी तो सब पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पर। क्योंकि हम किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे आई थिंक पॉजिटिविटी आती ही है, अलग प्रकार की वाइब आती है एक प्रकार की। तो यहाँ पे क्या अलग, क्या अलग आ रहा है आपको, क्या अलग लग रहा है यहाँ पे? ये समझ लीजिए जबलपुर की शान है, शान है। हाँ वो तो यहाँ पे आने में मतलब एक अलग ही फीलिंग है कि शहर में। तो आपने यहाँ आने का प्लान कोरोना के दो साल बाद हम लोग इतना अच्छा माहौल अब देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आने के लिए आपने पहले से प्रिपेरेशन की थी कि यहाँ पे जाएंगे इस दिन के लिए? हाँ, हम लोग हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। आप यहीं के हैं? हाँ जबलपुर कड़ा फाटक। क्या विश मांगी आपने शंकर जी से? अभी विश मांगने जाएंगे। अच्छा अभी मांगी नहीं है, अभी आए हैं हम लोग, अभी अभी आए हैं। आज जानते हैं महाशिवरात्रि है, yes. है ना? तो महाशिवरात्रि में महिलाओं में एक अलग प्रकार का उत्साह और उमंग होती है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। क्या सोच के आए थे आप यहाँ पे? भगवान के दर्शन करने आए थे, करने आए थे। तो कुछ विश मांगने आए होंगे यहाँ पे? फिलहाल आज तो नहीं मांगे, आज केवल दर्शन करेंगे। यस, विश कुछ भी नहीं मांगेंगे जी। बहुत बढ़िया। क्या फील हो रहा है यहाँ पे आके? अब देख रही हूँ कि सब लोग शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, उसी तरह से हम भी आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या सोच के आई थी आप यहाँ पे? वैसे तो मैंने व्रत रखा था, तो इसलिए हर साल हम लोग का रहता है कि व्रत के बाद हम लोग प्रसाद लेके फिर यहाँ आते हैं। अच्छा, तो इसलिए आज भी आए हैं। तो पहले से प्लान किया था यहाँ आने का? हाँ, एक दो दिन पहले से रहता है सब कुछ। कोई भी त्योहार होता है तो लोग पहले से प्लान करते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस मंदिर में जाना है, इस जगह पे जाना है। तो आपने इसका पहले से डिसीजन लिया था कि यहाँ जाना है? हाँ जी, आज सुबह से हम लोग का प्लान था कहाँ कहाँ जाना है। कचनार सिटी जाना है। हाँ, कचनार सिटी, इसके पहले कैलाश धाम गए थे। अच्छा जी, दर्शन हो गए आपके? हाँ जी हो गए।